शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। भारतीय गेहूं के निर्यात से जुड़े मामले में अब एक नया मोड़ आया है। अब अफ्रीकी देश मिस्र ने करीब 55,000 टन गेहूं को अपने यहाँ एंट्री देने से मना कर दिया है। मूल रूप से इस गेहूं को तुर्की जाना था। वहीं रॉयट्स ने मिस्र यानी कि इजिप्ट के प्लांट क्वारंटीन चीफ के हवाले से ये खबर दी है कि 55,000 टन गेहूं को लेकर आ रहे जहाज को मिस्र में प्रवेश करने से पहले ही मना कर दिया गया। वहीं तुर्की क्वारंटीन अथॉरिटीज़ पहले ही इस जहाज के आने पर रोक लगा चुकी है। तुर्की ने भारतीय गेहूं में रुबेला वायरस पाए जाने की शिकायत को लेकर इस खेप को लेने से मना कर दिया था। उसके बाद इसे मिस्र भेज दिया गया। हालांकि तुर्की को भेजी गई गेहूं की खेप सीधे भारत से निर्यात नहीं की गई थी। इसे भारतीय कंपनी ITC लिमिटेड ने नीदरलैंड स्थित एक कंपनी को बेच दिया था। उसके बाद ये तुर्की पहुँचा था। बाद में खबर आई कि इस खेप को मिस्र के एक व्यापारी ने खरीदा है और जहाज अब गेहूं को लेकर इस अफ्रीकी देश की ओर रवाना हो गया है। अब रॉयट्स ने खबर के मुताबिक मिस्र ने भी इस गेहूं को नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया है। एक अलग खबर में भारत सरकार ने पुष्टि की है कि वह मिस्र को गेहूं का निर्यात करने के लिए कस्टम क्लियरेंस मिलने का इंतज़ार करेगा। इससे पहले तुर्की के गेहूं को वापस लौटने पर खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा था कि गेहूं की खेप को भारत से रवाना करने से पहले क्वारंटीन और अन्य ज़रूरी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया था। उन्होंने कहा था कि गेहूं की खेप लेने से इनकार करने पर अभी तुर्की के अधिकारियों से बात नहीं हो पा रही है। हालांकि मिस्र दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक देश है। मई में ही मिस्र के खाद्य आपूर्ति मंत्री अली मौसे अली ने भारत से 5,00,000 टन गेहूं सीधे खरीदने की डील की थी। ये डील सामान्य टेंडर प्रक्रिया से अलग होनी थी, लेकिन इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुआ है। इससे पहले अप्रैल में मिस्र के कृषि मंत्रालय ने भारत से गेहूं के आयात को अनुमति दी थी। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में गेहूं की मांग और आपूर्ति का अंतर बिगड़ गया है। इसका असर मिस्र पर भी पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय संघ के गेहूं की कीमत लगभग 43 रुपये प्रति किलो है, जबकि भारतीय गेहूं 26 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। दोनों के बीच कीमतों में 17 रुपये प्रति किलो का अंतर है। हाल में भारत ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था। इससे पहले ही भारत ने तुर्की के लिए गेहूं की 56,000 टन की खेप को मंजूरी दी थी। वहीं मिस्र के खाद्य मंत्री अली मौसे अली ने भी साफ किया था कि भारत और मिस्र के बीच हुई डील पर इस बैन से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बैन दो सरकारों के बीच आयात निर्यात पर असर नहीं डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।